अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चना पुलाव की बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी, जिसे मैंने काबली चना से बनाया है और ये मैंने अपने पाकिस्तानी वाइटी फ्रेंड्स व्यूवर से सीखा था। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, तो ज़रूर आप इसे ट्राई करें अगर नहीं बनाया होगा तो। हमारे बिहार में काबली चना पुलाव नहीं बनता है, तो इसके लिए मैंने 2 कप लिया है बासमती राइस, इसे मैंने सोख कर लिया था। 2 ओनियन लिया, उसे बारीक चॉप कर लिया। 1 टमाटर, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। फूड कलर लिया है, ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर लिया था, और 1 कप मैंने लिया है काबली चना। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें साबुत मसाले में मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, बादियान के फूल 1 लिए हैं, जीरा लौंग 3 से 4 और दालचीनी, जावित्री और तेजपत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, 1/2 लेमन लिया है और धनिया की पत्ती। मैंने कुकर लिया, उसमें काबली चना को डाल दिया है, इसे मैंने 3 से 4 घंटा के लिए सोख कर लिया था। आप चाहे तो ओवर नाइट भी सोख कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 कप पानी दिया है और 1 टीस्पून नमक, तो इसे मैं बॉईल करूंगी। 1 सीटी आने के बाद इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर कर देंगे, और इसे ओवर कुक नहीं करना है। लेकिन काबली चना मेरा थोड़ा ज़्यादा गल गया है, तो इसे आप ओवर कुक ना करेंगे। काबली चना को मैंने रख दिया है अलग से, और इसका जो पानी बचा है उसे भी मैंने रख लिया, उसका बाद में इस्तेमाल होगा। कुकिंग ऑयल लिया इसमें, और उसमें मैंने सारे साबुत मसाले डाल दिए हैं। साबुत मसाले अच्छी तरह से तड़क गए हैं, तो साबुत मसाले अच्छी तरह से क्रैक हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी बारीक कटे हुए प्याज को मैंने डाल दिया है, तो इसे फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। तो हमारे यहाँ काबली चना पुलाव नहीं बनता है, हमारे यहाँ हरा चना का पुलाव बनता है या मटर का पुलाव बनता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था काबली चना पुलाव, ये बहुत ज़बरदस्त हुआ था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, वो स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करें। और बहुत ही ज़बरदस्त काबली चना पुलाव बनाया। इसमें नमक दे रही हूँ मैं, अभी मैंने इसमें नमक दिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। काबली चना में भी मैंने नमक डाला था, तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप टमाटर, तो टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से सोते कर लेना है। इसमें अब मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, तो इन सब को कुछ देर तक अच्छी तरह से सोते करना है, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। अब इसमें मैं मिला रही हूँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, तो लाल मिर्च ऑप्शनल है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, तो इससे अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा सा पानी यूज़ किया ताकि मसाला जले नहीं, तो इनको कुछ देर तक अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, रॉ स्मेल है, वो चला जाए। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल चिक पी काबली चना, तो इसको मैंने मिला लिया है इसमें। कुछ देर तक इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। तेजपत्ता को मैंने रिमूव कर दिया है, तो इसको कुछ देर के लिए मैं भून ले रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूख गया हुआ चावल, जिसे मैंने 2 से 2.5 घंटे के लिए सूख कर दिया था। चावल मैंने लिया है 2 कप और काबली चना लिया था 1 कप। आप चाहे तो 1 कप से ज़्यादा भी काबली चना ले सकते हैं, तो मैंने जस्ट 1/2 लिया था। सबको अच्छी तरह से मिला लेना है, अच्छी तरह से मैं मिला ले रही हूँ। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी जितना चावल है उसका 1.5 यूज़ करना है।
इसमें मैं ग्रीन चिली, थोड़ा सा अचार ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप चाहे तो इसे डालें। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च को पीस कर इसमें ऐड करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी। 4 कप पानी इसके लिए इनफ था, लेकिन पुलाव में देवड़ा पानी डाला जाता है। अगर आप इसे देखने बनाए तो पानी डाल दिया है मैंने। अब इसका थोड़ा सा मैं नमक टेस्ट कर ले रही हूँ, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक इसमें और ऐड किया है। इसमें मैंने काबली चना को जो बॉइल किया था वो पानी भी यूज़ किया, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें, उससे जो काबली चना का टेस्ट है वो पानी में आएगा और आपके काबली चना पुलाव बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो मैंने इसे सामान लीड से कवर कर दिया है, उबाल आने पर लीड से कवर कर दिया है और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव तैयार हो गया है। अब इसे मैं थोड़ा देर के लिए और कवर कर दिया है, उसके बाद मैंने एक तवा लिया था और उस पर बिल्कुल सेम 1 मिनट के लिए रख दिया था। धनिया की पत्ती से गार्निश किया है, बहुत सारा धनिया की पत्ती दिया है, टमाटर और हरी मिर्च आप इसमें डालें, बहुत ज़बरदस्त आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो टमाटर, इसमें लेमन जूस में डाल रही हूँ, तो लेमन जूस, 1/2 लेमन जूस इसमें डाला है। इसको कवर कर दिया है और एक तवा मैंने लिया है, तो इस पर इसको थोड़ा देर के लिए दम के लिए रख दिया है। फूड कलर दिया, आप चाहे तो फूड कलर का इस्तेमाल ना करें। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त काबली चना पुलाव तैयार है और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं ज़रूर अब ट्राई करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी काबली चना पुलाव। मैंने अपनी अम्मी को भी खिलाया था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बताइएगा कि मैंने काबली चना पुलाव कैसे बनाया, सही बना है या नहीं बना है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट्स में। अब इसे मैं सर्व कर ले रही हूँ, गरम गरम काबली चना पुलाव तैयार है। इसे मैंने ईद पे बनाया था। तो व्यूअर्स, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।